हेलो एवरीवन, एक लड़के ने मुझसे पूछा, भैया मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग पाता, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं पढ़ाई करूँ, एक मोटिवेशन दे दो आप, एक मोटिवेशन वीडियो बना दो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे करूंगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे हो गए हैं 3 साल नीट निकाले, एंड इन 3 सालों में कई सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनसे मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि यार नीट की वैल्यू जितनी हम सोचते थे उससे कई गुना ज्यादा है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था MBBS में, तो मुझे ना मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, सच बताऊँ। इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता था, बिल्कुल भी कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कहाँ आ गए, मतलब क्यों आ गया, क्यों निकाला था नीट। सेकंड ईयर में आए तो थोड़ा थोड़ा ना मजा आने लगा, पढ़ाई अच्छी हो गई, दवाइयों के बारे में सीखने को मिला हमें, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी उनकी लाइफ साइकिल सब कुछ पढ़ने को मिला, बीमारियों के बारे में पढ़ने को मिला, और साथ ही साथ में ना कॉलेज में हम सीनियर बन गए, चीजें हमने एक्सप्लोर करी, हमें इंडिपेंडेंस मिली, थोड़ी घूमने जाने लगे, दोस्तों से बातचीत बढ़ने लगी, एक लाइफ में ना एक मजा वाला कंपोनेंट आ गया, एक कॉलेज लाइफ की फीलिंग आने लगी, यार कॉलेज लाइफ में हम कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, एंड बिलीव मी ऐसा फील करता हूँ यार मेरी लाइफ के ये मैं सबसे बेस्ट पार्ट में हूँ। मतलब मेरे साथ इतने सारे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ घूमने जाता हूँ, मस्ती करता हूँ, पार्टी करता हूँ, बातें करता हूँ, साथ साथ में आप लोग भी हो, प्यार देते हो, और सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। मतलब ऐसा टाइम चल रहा है मेरी लाइफ का जो शायद मैं अपनी जिंदगी भर याद रखने वाला हूँ, और ये मतलब मेमोरी ऐसी हैं जिनको मैं चाहता हूँ बस की कलेक्ट होती जाए। यहीं पर तुम एक नीट एस्पिरेंट की सोचो जिसका नीट नहीं निकला होता है, फर्स्ट ईयर क्या उसका फर्स्ट ईयर कुछ होता ही नहीं है, वो पता नहीं कहीं पे भी BSc करने लगता है, कहीं पे भी उसे छोटी मोटी जॉब की तलाश में होता है कि 5-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए, होता है ये प्रैक्टिकल बात है, ये वो भी नहीं मिलती है, और बच्चे पता नहीं कहाँ जाते हैं, कोई किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई किसी स्कूल में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर रहा है, ये होता है, मैंने ये देखा है, उन बच्चों के साथ देखा है जो मेरे साथ नीट की तैयारी कर रहे थे लेकिन उनका नहीं हो पाया। यहीं पर मेरे साथ तो मैं लाइक अपनी लाइफ अलग ही लेवल पे एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ हमें पढ़ना होता है, मुझे पता है कि तुम बोलोगे भैया PG का बहुत प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है, देखो तुम्हें बताऊँ ये सब बातें हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ओवर बताई जाती है सोशल मीडिया पे तुम्हें फालतू में डिप्रेशन में डालने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ MBBS अभी तक तुम्हें जो मिलेगी थर्ड ईयर तक, तो आई कैन से कि मतलब मज़ेदार होती है काफ़ी, और तुम्हें बहुत कुछ मज़े आएंगे। तुम्हारे को ना एक अंदर से ये नहीं लगेगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम एक बेस लेवल बना चुके हो नीट क्लियर करके, तुम अब डॉक्टर बनने वाले हो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और तुम डॉक्टर बन के कुछ अमाउंट तो कमा लोगे कि तुम्हारी पेट पूजा हो जाए, तो तुम्हारे को ना मतलब इतना एक माइंड से लोड हट जाता है कि यार करियर वाला, और वहीं पे एक नीट एस्पिरेंट जिसका नहीं हो पाता ना दोस्त, वो लोड उसके दिमाग में हमेशा रहता है, वो जिंदगी भर रहता है जब तक वो कुछ अच्छा चीज नहीं कर लेता। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनका नहीं क्लियर होता नीट वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारी तो लाइफ यहाँ पे सेकंड थर्ड ईयर में ही बहुत अच्छी हो गई ना, वो करेंगे अच्छा, मान लो वो 5 साल और घिसते हैं कुछ अच्छा बनाएंगे, तब तक उनकी पूरी कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी, वो फिर शादीशुदा हो जाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो मतलब एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे सो कॉल्ड की, जिसमें उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। लेकिन हमें तो डे वन से फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई कि हाँ भैया हम कमा लेंगे इतना कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है नीट क्लियर करने के लिए। एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जिन बच्चों का नीट क्लियर हो जाता है और जिनका नहीं हो पाता है, बिलीव मी बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अगर तुम आज नहीं मारते हो गियर, अगर तुम आज नहीं लगाते हो दम, तो तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी सारी चीजें मिस करने वाले हो। रिसेंटली अभी मेरा एक दोस्त है, उसका मन था बुलेट लेने का, तो अभी थर्ड ईयर में आ गए हैं, थोड़ा सीनियर भी हो गए हैं, ठीक है, तो अब उसके पापा को उसने बनाया कि यार कहीं ना कहीं कि पापा बुलेट दिलाओ, और अभी वो बुलेट लेने जाने वाला है। क्यों हो पाया ऐसा? अगर वो नीट नहीं क्लियर करता, डॉक्टर नहीं बनता, तो क्या उसके पापा उसको बुलेट दिलाते? नहीं दिलाते। ये चीज होती है, छोटी छोटी खुशी मिलती है यार, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में हो, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपको बस MBBS के एग्जाम पास करने हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाते हैं और तुम्हारी लाइफ अब सेट है। ये सच है, MBBS केवल से भी सेट होती है, खाने को मिल जाता है, हाँ थोड़े और अच्छे एस्पिरेशन है तो PG कर लो, फिर हो जाएगा। तो क्यों नहीं करना यार, अभी 2 साल की बात है, उसमें भी कितना सा टाइम बचा है, 5-6 महीने रगड़ दो ना, क्यों नहीं रगड़ रहे हो? क्या है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है, उसमें बायोलॉजी में वो रटना है, बायोलॉजी के एक एक NCERT के से लाइन से आता है, वो NCERT की लाइन याद करनी है, तुम्हें पता ही है, बार बार मैं बोलूंगा नहीं कैसे पढ़ना है, वो मैं बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊँ। तो पढ़ो दोस्त, और बहुत अच्छे से पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि मतलब मजा आ जाए बिल्कुल दम लगा करके। और मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा बड़े एस्पिरेशन भी मत लिखो कि भैया एम दिल्ली जाना है, अपना एक गोल बनाओ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बस सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुझे सिलेक्शन चाहिए, और उसकी तरफ अपनी पूरी
ताकत लगा दो। इतना मुश्किल नहीं होता यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। नीट के पेपर देखो पिछले साल की क्या आया है, बहुत सिंपल पेपर आता है, ढंग से पढ़ो और जो पढ़ा है उसे रिटेन करो, सब हो जाएगा, बस करो। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।